दोस्तों आज की कहानी है बहु ऐसे संतान इनके यहाँ का तो कोई पानी भी ना पीना साएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। टिंग 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 मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी और नीमो जी अपने लड्डू गोपाल की शाम की दिया बाती में व्यस्त थी और उधर नीमो जी के पति राघवेंद्र जी फोन के दूसरी तरफ बेचैनी के साथ नीमो जी के फोन उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर नीमो जी कुछ भी हो जाए संध्या समय अपने लड्डू गोपाल का भजन कर कीर्तन किए बिना मंदिर से हिलती नहीं थी। पर आज लगातार बज रहे फोन से परेशान होकर उठी गई और गुस्से से फोन उठाकर डांटने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से राघवेंद्र जी की आवाज आती है, नीमो जी बधाई हो। पर किसकी बधाई राघव जी, और आपको पता है ना कि मैं इस समय फोन नहीं उठाती, फिर आपने अभी क्यों किया, गुस्से से नीमो जी कहती हैं। नीमो जी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आप सुनोगी तो झूम उठोगी। बोलिए बताओ कि नहीं, अब जब मेरी भक्ति में विघ्न डाल ही चुके हैं तो बोल भी दीजिए। गुस्से का धुआं हवा में उड़ाते हुए नीमो जी कहती हैं, पक्का बता दो नीमो जी। हाँ बता भी दीजिए राघव जी, अब क्या बच्चों की तरफ पहलिया बुझाओगे। तो दिल थाम कर सुनिए नीमो जी, आप माँ बनने वाली हैं। अभी अभी डॉक्टर सुनिधि का फोन आया था नीमो जी, मैं तो सुनकर इतना खुश हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया, अब आप भी माँ बनने का सुख भोग पाएगी नीमो जी। अब हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी नीमो जी, आपकी तपस्या सफल हुई नीमो जी। हमारे जीवन में बाल गोपाल खुद पधारे, आंखों में खुशी का आंसू लिए राघवेंद्र जी बस बोले जा रहे थे, आज मैं बहुत खुश हूँ नीमो जी, आज मेरी तरफ से भी एक दिया आप अपने लड्डू गोपाल के आगे जला दीजिएगा। ऐसा कहकर राघवेंद्र जी फोन रख देते हैं। जैसे ही ये खबर राघवेंद्र जी के मुंह से सुनती है नीमो जी, वैसे ही उनकी आंखों से खुशियों के आंसू सलक उठते हैं। आखिर उनकी वर्षों की मनोकामना आज पूरी हो ही गई जिसकी आज तक सोच चुके थे। अब वही खुशियां दामन फैलाए खड़ी थी, वो भागकर अपने बाल गोपाल के पास जाती हैं और उनके शरणों में गिर जाती हैं। फिर रुदे गले से अपने कान्हा से कहती है, हे कान्हा कैसे करूं मैं आपका धन्यवाद, आपने तो मेरे जीवन भर की तपस्या का मीठा फल दे दिया। 20 साल इसी खुशी की खातिर कहाँ कहाँ नहीं भटके हम, कौन से मंदिर पर माथा नहीं टेका, कितनी मिन्नतें की पर हार गई, पर जब से तेरे दर पर आई हूँ सब अच्छा अच्छा हो रहा है मेरे कान्हा। अब बस ऐसे ही अपनी दुआ की बारिश करते रहना कन्हैया। दरअसल कुछ दिनों से नीमो जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसका रिपोर्ट राघवेंद्र जी को अभी अभी पता चला था, इसलिए उन्होंने जल्दी से नीमो जी को फोन लगा दिए। आखिर खबर ही इतनी सुखद थी तो कोई कैसे भला रुक सकता था। निराशा में आशा की किरण सी थी ये खुशखबरी नीमो जी के लिए, जिसके लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उन्हें। पर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। नीमो जी और राघवेंद्र जी की शादी को 20 साल हो चुके थे, अथा संपत्ति के मालिक होते हुए भी वह उस भिखारी से भी गरीब थे जिनके पास रहने को सत तक नहीं है। पर राघवेंद्र जी के पास सत और संपत्ति अथा था, पर भोग करने वाला कोई नहीं।
जिसका दुखों दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बहुत कोशिश किए बच्चों को पाने की खातिर, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। इसलिए उम्र के साथ साथ आस भी छोड़ चुके थे, पर रिश्तेदारों के मुंह से जब वो ये सुनते कि कैसे बदनसीब हैं ये दोनों पति पत्नी, कि इनके मरने के बाद इनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई अपना नहीं होगा, और तो और कई मुखाग्नि भी इनके नसीब में ना हो, फिर भला ऐसे संपत्ति का क्या काम जो किसी के काम ही न आए। बेसारे बदनसीब, पता नहीं भगवान भी ऐसे लोगों के घर में ही पैसों की इतनी बारिश क्यों करते हैं, जब उसका कोई भोग करने वाला ही नहीं है और ना ही कोई इनकी संपत्ति लेना चाहेगा। ऐसे भी इन निपुत्रों के यहाँ का तो कोई पानी भी ना पीना चाहेगा। भगवान ना करे अगर इनके जैसे संतानहीन हो गए तो आए दिन ऐसे हदियों को भेद देने वाले ताने सुनकर नीमो जी और राघवेंद्र जी बहुत रोते थे। पर समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और आहिस्ते आहिस्ते परिवार रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ दिए। वक्त के साथ राघवेंद्र जी अपने लड्डू को काम में व्यस्त हो गए और नीमो जी अपने लड्डू गोपाल में, पर भगवान की लीला देखी उन सभी कड़वे बोलने वाले का मुंह सदा के लिए बंद कर दिए और डॉक्टर की देखरेख में नीमो जी 9 महीने बाद एक स्वास्थ्य सुंदर बच्चे को जन्म देती है।